तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोमिका एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल एज ऑफ शोमिका। एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल। ओके, तो तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बात बताना है कि इस वीडियो को जो है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरा प्रायोरिटी है गवर्नमेंट कॉलेज का, ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर। WJE के थ्रू यू कैन एडमिट, यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। ओके, तो नंबर 10 में है हमारा कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसका एक PDF ऑफिशियल वेबसाइट में हमको मिला है WJE की तरफ से। पिछले साल 2021 में इसने अपने आपके जब काउंसलिंग चल रहा था पिछले साल का, तब ये एक PDF अपलोड किया था। तो सब कॉलेज का है, मैं ये टॉप 10 कॉलेज का PDF ऐड कर दे रहा हूँ। तो चलते हैं उस PDF में। ओके, तो इसे एक बार देख लेते हैं कि तो ये कोचबिहार गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा नंबर 10 में। और ये जो है एक कोचबिहार वेस्ट बंगाल के अंदर कोचबिहार में है। तो इसको वेबसाइट है, ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है हमारा प्लेसमेंट और फीस। इसका फीस अब देख लेते हैं, बहुत ही कम है। सी और ECE के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 6,000 रुपया पर सेमिस्टर, मतलब 6 × 8 जितना होता है आप कैलकुलेट कर लेना। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के लिए इससे भी कम है, मतलब जितना इसका है सी और ECE का, उससे उसका हाफ है ये वाला, ठीक है। तो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें प्लेसमेंट ऑन कैंपस में ना के बराबर होता है, इसलिए सब जगह इन्हें नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है। तो बेसिकली ये एक नया कॉलेज है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मोटा मोटी ठीक ही है, लेकिन ये वाला जो कॉलेज है ठीक ठाक है, लेकिन कुछ सालों में ये कॉलेज भी इम्प्रूव करेगा। ऑफ कैंपस में इस कॉलेज से मतलब हो जाता है, और ऑन कैंपस से तो देख ही सकते हैं थोड़ा, मतलब जितना होता है वो मतलब 29 तक तो नहीं हुआ, यही लिखा है 2020 2021 एंड इस साल में जो होगा हमको नहीं पता। और थोड़ा देख लेते हैं इसका, ये है इसका पिक्चर। ओके, सुंदर सा कॉलेज है। एक नदी है, नदी के पास पास में ही है। एंड जो है ये जो है मतलब कॉलेज ठीक ठाक है। तो उसके बाद तो ये कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं। इसका फीस जो है बहुत कम है, और प्लेसमेंट जो है बहुत ख़राब है अभी तक, मतलब 2019 तक तो वही था, अभी तक का पता नहीं, मतलब अपडेट नहीं किया WJE ने उसका ऑफिशियल PDF में। तो ये रहा हमारा नंबर 10 नंबर कॉलेज CGEC या फिर कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उसके बाद जो है देख लेते हैं, 9 नंबर पे हमने चूज़ किया रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको हम पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नाम से भी जानते हैं। तो उसका भी PDF हम देख लेंगे, यहाँ से एक्सेस करना है, ये इसमें जाके लेफ्ट क्लिक करना है तो चले जाएंगे उस PDF में। तो PDF में देख लीजिए इसका नाम आ गया, पूरा नाम ये पुरुलिया में है। ओके, ये मतलब कोलकाता से थोड़ा दूर है, थोड़ा मतलब बहुत ही दूर है। एंड जो है कॉलेज तो ठीक ठाक ही है, और ये सब आप देख लेना। तो मेन मुद्दे की बात में आते हैं, तो इसका भी फीस सेम है कोचबिहार की तरह ही, CAC और ECE के लिए 6,000 पर सेमिस्टर, एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए 3,000 पर सेमिस्टर को लगेगा आपको, जो कि बहुत कम है। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कॉलेज की यही खासियत है कि मतलब बहुत कम फीस में आपको आपका इंजीनियरिंग हो जाता है। एंड प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये में भी मतलब 2019 तक कुछ अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ, एंड अगर हुआ भी है तो मतलब बहुत काम हुआ है, इसलिए इसने अपडेट नहीं किया। एंड ऑफ कैंपस में अप्लाई हो सकता है, एंड तो प्लेसमेंट ये इसका थोड़ा बुरा है।
मतलब क्या ही बताए। एंड जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। अगर आप चीपेस्ट मतलब चीप बजट है आपका पढ़ाई का तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो ये है थोड़ा कुछ इमेजेस जो देख सकते हैं हम। बहुत ही सुंदर कॉलेज है, पुरुलिया में है। एंड तो आप समझ गए हमारे 9 नंबर में ये कॉलेज था, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में अंदर वेस्ट बंगाल में, रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पुरुलिया। ओके, तो उसके बाद जाएंगे 8 नंबर कॉलेज पे। 8 नंबर कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बेरहमपुर। तो इसको भी यहाँ से एक्सेस करेंगे, तो देख लेते इसका नाम, ठीक है। एंड इसमें 3 ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस है, 3 ब्रांच, सॉरी 3 ब्रांच नहीं, थोड़ा ज़्यादा है। कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है एंड टेक्सटाइल है। जो टेक्सटाइल है उसके बाद एमटेक, फिर से एमटेक भी है, ठीक है। तो जो बात है इसका फीस मतलब लगभग ना के बराबर है, 500 रुपया पर माह, मतलब पर महीना लगता है, मतलब कितना हुआ, 3,000 रुपया लगता है, 5, 6, 3, हाँ 3,000 रुपया साल में, 6,000 रुपया लगता है, मतलब बहुत ही कम लगता है। और प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है मतलब पिछले दो जो कॉलेज था उससे अच्छा है। ये बहरमपुर में है ये कॉलेज, कोलकाता से थोड़ा दूर है। एंड इसका प्लेसमेंट देख लेते हैं, 2017 में गया था 40%, मैक्सिमम सीरीज से अच्छा गया था 15 लाख, एंड एवाई सीरीज से गया था ठीक ठाक, मतलब इस मतलब दूर है, मतलब समझ सकते हो आप, तो 2 सिटी से गया है। इसका फीस जो है बहुत कम है, ये मतलब दिमाग में रखना। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, मतलब ठीक ठाक ही होता है, मतलब जिसको प्लेसमेंट मिल जाता है उसके लिए ठीक ठाक ही है, मतलब बहुत कम फीस है। 2018 में जो परसेंटेज गया था प्लेसमेंट का वो था 37.5%, मैक्सिमम सिटी से गया था 6 सिटी से 6 LPA, एंड एवरेज पैकेज गया था 2 LPA। 2019 में जो गया था वो था 37%, एंड मैक्सिमम सिटी से गया था 6 लाख पर एनम, एवरेज सिटी से गया था 2 लाख पर एनम। ओके, तो हम इससे देख लेते हैं इसका फीस भी पहले वाले से। CAC और ECE की बात करें तो उसका 6,000 था, इसका सबका 3,000 है पर सेमिस्टर का। तो ये लगभग लगभग मतलब उस कॉलेज से बहुत ही अच्छा है, और इसका प्लेसमेंट भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो देख सकते हैं हम। तो इस कॉलेज को हमने रखा था 8 नंबर पे। तो जाते हैं 7 नंबर कॉलेज पे, जो कि है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेरमपुर का। वो पहले वाला था बैरमपुर का जो 8 नंबर पे था, और 7 नंबर पे जो है ये है सेरमपुर का, ये भी कोलकाता से थोड़ा दूर है। तो इसका PDF एक्सेस कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है। तो इसमें 3 4 ब्रांच है, CAC है, IT है, टेक्सटाइल है। ये वाले सब हम रिव्यू वाले वीडियो पे कवर करेंगे, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड जाते हैं इसका फीस में, तो इसका फीस आप देख ही सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा है एज कम्पेयर, मतलब पिछला सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो है 12,000 के करीब है, और बाकी सब का 6,000 है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, मतलब सेम सेम ही है। एंड बाकी सब में मतलब ठीक ठाक ही है। APM जो है मतलब ये देख लेते हैं नाम, APL एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है, इसका कॉस्ट भी सेम है CAC की तरह। TT मतलब टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का भी उससे बहुत कम है, उसका हाफ है। एंड IT का जो है थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, IT जो है नया ब्रांच है इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पड़ता है सब कॉलेज में। तो देख लेते हैं कि इतना है 18,400। तो इसका इसका ना डबल है, जो अगर इसमें 50-60 में हो जाएगा इसे 1 लाख से 1,20,000 तक लग सकता है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड लिख लेते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है बहरमपुर कॉलेज से अच्छा है। तो 2017 में गया था 75% कैंपसिंग, मैक्सिमम सिटी से गया था 6.5 लाख, एवाई सिटी से गया था 2.7 लाख पर एनम। एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड में 2018 में गया था 76%,
एंड मैक्सिमम सिटी से गया था 7 लाख, एवरेज सिटी से गया था 2.75 लाख के करीब। एंड 2019 में गया था 80% कैंपसिंग, और मैक्सिमम सिटी से जो है 7.2 लाख गया था, एंड एवरेज सिटी से जो है 3 लाख के करीब गया था। तो ये मतलब कम फीस में अच्छा कॉलेज है, इसको आप इसके साथ आप जा सकते हो। तो इसमें इसके लिए रैंक भी थोड़ा हाई लगता है, 4,000 या 5,000 के नीचे लगता है CSE ब्रांच के लिए, और टेक्सटाइल के लिए तो आपको कम लगेगा, यही 15-20 हज़ार के अंदर टेक्सटाइल हो जाता है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो जाते हैं 6 नंबर कॉलेज, जो कि है हमारा जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका लिंक हम एक्सेस करेंगे यहाँ से एंड देख लेंगे। इसमें 6 ब्रांच टोटल है, कंप्यूटर CSE, IT, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ECE। ओके, तो इसका फीस लगभग कम है, मतलब क्या ही बताएं, बहुत कम है। ये शायद ये सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का है, ये फीस बहुत कम है। एंड ये CSE का है, वो भी बहुत कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे अदर कॉलेजेस के, मतलब समझ गए, अदर कॉलेजेस के आप देखोगे तो उससे तो बहुत कम ही है। गवर्नमेंट कॉलेज के देखोगे तो जो सेंट्रल के अंदर आता है उससे बहुत कम है, और IT का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसका डबल है, CSE का डबल होता है IT का। एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो मतलब क्या ही बताए, 2017-18 में गया था 64%, मैक्सिमम सिटी से गया था 6 LPA, एंड एवरेज सिटी से गया था 3 LPA। 2018-19 में गया था 82%, मैक्सिमम सिटी से गया था 6 LPA, एवरेज सिटी से गया था 4-4.5 लाख। एंड 2019-22 में गया था 76%, मैक्सिमम सिटी से गया था 13 LPA, एंड एवरेज सिटी से गया था 5.6 LPA। तो 2020-21 में जो गया था ये था, मतलब कैंपसिंग थोड़ा कम हुआ था, 66% गया था, एंड मैक्सिमम सिटी से गया था, मतलब बहुत खूब गया था, 36.5 LPA गया था, जो कि बहुत एक अच्छा पैकेज होता है इंडिया में। एंड एवरेज पैकेज जो गया था वो 10 लाख के करीब, 9.34 लाख गया था। तो जलपाईगुड़ी कॉलेज में अगर आपको मिल जाता है काउंसलिंग के थ्रू तो चले जाइए, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज है ये, इसका मतलब पढ़ाई भी अच्छा होता है, मतलब क्या ही बताए। इसका थोड़ा तो पिक्चर देख लेते हैं, कुछ पिक्चर है तो मतलब अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग एक्सेस कर लेना, ये जलपाईगुड़ी में है, ठीक है, कोलकाता से दूर है, दार्जिलिंग की तरफ है। ठीक है, तो लेकिन अच्छा कॉलेज है इस, इफ़ अगर आपको मिल जाता है तो आप जा सकते हैं। तो जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज में, 5 नंबर कॉलेज जो कि है GCECT, जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिरेमिक टेक्नोलॉजी। एंड इसका लिंक हम देख लेते हैं ओपन करके, एंड देख लेते हैं ये जो है ना सिरेमिक टेक्नोलॉजी का कॉलेज GCECT। ये जो कॉलेज है ये है बेलेघाट की तरफ, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अच्छा मतलब ये कोलकाता के अंदर आता है, कोलकाता के पास ही है। एंड इसमें 3 से 4 3 ब्रांच था, हाँ 3 ब्रांच है, CSE, CSE, IT, CSE, IT एंड सिरामिक। ये तो मतलब फर्स्ट ईयर के फैकल्टी का लिखा हुआ है, कोई अप्रूव वाला नहीं है, तो इसको स्किप करना। तो CSE में कुछ कुछ है, तो ये 3 ब्रांच होता है सिरामिक का, जो है ना मतलब बहुत कम कॉलेज में होता है क्या, और ये जो कॉलेज है इसमें से एक है। एंड तो देखा जाए तो ठीक ठाक कॉलेज है, और इसका फीस देख ले तो फीस जो लगभग लगभग CSE IT CSE का पड़ता है वो 60,000 के करीब है, एंड IT का पड़ता है वो 1 लाख से 1 लाख 20 हज़ार के अंदर होता है। एंड जो सिरेमिक टेक्नोलॉजी का है वो 40 to 50 में 50,000 में हो जाता है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लेते हैं, ये मतलब शानदार पैकेज देता है एज़ कम्पेयर टू अदर, जो हम पिछले वाले में कहे थे
6 नंबर पे गया था। हाँ, ये सब कॉलेज से मतलब अच्छा ही देता है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो हम कहाँ पर गए, हाँ, तो ये जो हम कॉलेज देख रहे हैं, ये कोलकाता के अंदर है। तो कलकत्ता के अंदर में कंपनीज भी ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू जो हम पहले बताए, उससे ज़्यादा कंपनी इधर आता है। और इसका ये जो लोकेशन है ना, अच्छा लोकेशन में है, सियालदह के सामने है। एंड 2019 में 71% प्लेसमेंट हुआ था, को जॉब मिल गया था 71% स्टूडेंट को। एंड CTC जो गया था मैक्सिमम वो था 7 लाख, एवरेज था 5 लाख, जो कि अच्छा है। 5 लाख CTC एवरेज का अच्छा है। 2018 में कुछ कुछ ऐसा ही गया था, 77% गया था। एंड मैक्सिमम CTC गया था 7 लाख के करीब। एंड एवरेज CTC जो गया था 5 लाख था। 2017 में 81% गया था, तो मैक्सिमम CTC गया था 10 लाख। एंड एवरेज CTC गया था 5 लाख। तो मान के चलिए इसका एवरेज पैकेज 4-5 लाख के अंदर रहता है। एंड मैक्सिमम जो CTC है, ये आपका मतलब जो 7 से 10 के बीच में रहता है। ओके, तो अच्छा कॉलेज है, लोकेशन भी अच्छा है, और कंपनियां भी आते हैं, TCS ज़्यादा आते हैं, TCS CTS ये सब कॉलेज हैं, ये सब है मतलब इस कॉलेज में ज़्यादा आते हैं। कोलकाता के कॉलेज में ये सब ज़्यादा आते हैं। तो जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज में, जो कि 4 नंबर पे है हमारा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी। और ये एक ऐसा कॉलेज है ना, मतलब लेदर टेक्नोलॉजी का कॉलेज बहुत कम है। एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। ओके, तो देख लेते हैं ये जो है ना, नाम एक बार पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी। इसका जो है ना, बहुत मतलब सेरामिक से भी अच्छे लोकेशन में अगर कहे तो उस लोकेशन में है। ये देख लीजिए आप, सेक्टर 3 सॉल्ट लेक में है। एंड इसका नाम जो है चिंगड़ी घाटा होता है। एंड EM बाईपास के पास है, मतलब बहुत अच्छे लोकेशन है ये, आप समझ के चलिए। अगर ये कॉलेज आपको मिल जाए तो लोकेशन जो है अच्छा मिलेगा। एंड देख लेते हैं, इसमें तीन तीन ही तो था, हाँ तीन है, ये इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन दे दिया उसने गलती से। एंड CSE है, IT है, एंड लेदर टेक्नोलॉजी का है, BTEC है, MTEC भी है लेदर टेक्नोलॉजी का। तो हम BTEC में फोकस करेंगे, इसको स्किप कर देना। एंड क्या बताए, एंड चलते फीस में, फीस देख लीजिए इसका भी 50-60 के अंदर जो CSE का है हो जाता है। IT का 1 लाख से 1 लाख 20 में 4 साल का फीस हो जाता है। एंड लेदर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या ही बताए, बहुत कम, 3 फर्स्ट सेमेस्टर पर आपको देना पड़ता है 10 हज़ार के करीब। एंड उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में कुछ नहीं देना पड़ता। एंड थर्ड सेमेस्टर से आपको देना पड़ता है हर सेमेस्टर 3 हज़ार रुपया, जो कि बहुत कम है। तो इसमें CSE IT का और सबका ही, लेदर का भी प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि लेदर मतलब बहुत कम कॉलेज है और इसमें है लेदर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो प्लेसमेंट देख लेते हैं, यहाँ पर जो 2019 में गया था, 74% स्टूडेंट कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिल गया था। मैक्सिमम CTC जो था 4.8 लाख था, एवरेज CTC जो था 3 लाख था। 2018 में 78% स्टूडेंट का पैकेज लग गया था। एंड मैक्सिमम CTC था 9 लाख, एवरेज था 2.4 लाख। तो 2017 में था 75%, एंड मैक्सिमम CTC जो था 4 लाख, एंड एवरेज CTC जो था वो था 2.8 लाख, 3 लाख के करीब। तो मान के चलिए एवरेज पैकेज जो इस कॉलेज का रहता है 3 लाख के करीब रहता है, करीब कुछ ज़्यादा कम। एंड मैक्सिमम CTC पकड़ के चलिए इसका 5-6 लाख 7 लाख तक जाता है। ये एक बार 9 लाख गया, चला गया था, ये कभी कभी हो जाता है। तो इस कॉलेज में मतलब फीस भी आपको बहुत कम देना पड़ता है, तो इसका ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत मतलब ठीक ठाक है, समझे। और प्लेसमेंट का जो परसेंटेज था वो मतलब बहुत बढ़िया था, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और ये को सबसे बड़ी मतलब क्या बात है, ये चिंगड़ी घाटा में है, जो कि एक अच्छा लोकेशन में है ये कॉलेज। एंड हाईलाइट में देख लेते हैं, 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड कॉलेज रिच इन हिस्ट्री,
विद मॉडर्न फैसिलिटीज एंड एक्सीलेंट टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरमेंट। हाँ, इस कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छा होता है। तो ये है इस कॉलेज का, मतलब एक सुंदर सा कैंपस है, एंड ये पढ़ा रहा है टीचर, एंड ये शायद कंप्यूटर का लैब है। ठीक है, तो जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज में। 3 नंबर कॉलेज है हमारा कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसका पीडीएफ करेंगे हम एक्सेस, तो देख लेंगे क्या है। सॉरी, ओके। तो हम इधर देख सकते हैं कि इसका फीस जो है सीएससी और ईसीई के लिए 7,200 करके हर सेमेस्टर में देना पड़ता है, एंड मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का जो है 4,200 करके देना पड़ता है हर सेमेस्टर में, एंड आईटी का जो है थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, 13,200 रुपया करके देना पड़ता है हर सेमेस्टर में। ठीक है, जो कि मतलब रीजनेबल प्राइस है, जो वही वही 60,000 के करीब लगता है, एंड ठीक ठाक ही है, मतलब कम है, लेकिन ये जो कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, मतलब बहुत अच्छा। सब कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन इस कॉलेज को बहुत लोग प्रेफर करते हैं जादवपुर और सीओ के बाद। ओके, तो कोई मतलब इसका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक ही हो जाता है, तो देख लेते हैं। इसका 2019 में प्लेसमेंट हुआ था 75% का, एंड प्लेसमेंट हुआ था मतलब जितने जितने स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं उसमें से 75% का कैंपस से ही प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम सिटी से गया था 2019 में 41 लाख चार, जो कि एक खास पैकेज होता है, एंड इसका जो है एवरेज पैकेज था 4.5 लाख के करीब था, जो ठीक ठाक एक पैकेज होता है, एंड 2018 में जो था 78% का कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिल गया था, एंड मैक्सिमम पैकेज जो था 31 लाख गया है, एवरेज पैकेज जो है 4 लाख गया है, एंड 2017 में जो था ये क्या ही बताया, 77% गए थे, एंड मैक्सिमम सिटी से जो है 28 लाख पर एनम गया था, एंड एवरेज पैकेज एवरेज सिटी से बताए तो 3.8 लाख, जो कि मतलब पकड़ के चलिए कि इसका जो है 3.5 से 5 लाख के अंदर इसका एवरेज पैकेज रहता है। और मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो ये तो जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा पैकेज आता है, ये कोई एक और दो बच्चे लेता है, लेकिन अच्छा पैकेज लेता है, और इसका जो परसेंटेज है ऑन कैंपस इंटरव्यू का जो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जैसे कॉलेज देख लेते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लेकिन इस चीज़ को हमने 3 में रखा और 2 में रखा है, सीयू या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 2 में रखा। इसका कारण एक ही है, ये कोलकाता से थोड़ा दूर है, मतलब थोड़ा मतलब नदिया में है, कल्याणी करके एक जगह है, उस जगह पर है, एंड कॉलेज अच्छा है, कॉलेज जो बता है अच्छा है, लेकिन मतलब सीयू जो है कलकत्ता के एकदम अंदर है, और ये कोलकाता से थोड़ा दूर है, तो इसलिए हमने इसको 3 में रखा है। तो जाते हैं 2 नंबर कॉलेज में, जो कि है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो इसका पीडीएफ करेंगे हम एक्सेस, तो सीयू का अपना नाम ही सुना ही होगा, कुछ दिन पहले नंबर 2 यूनिवर्सिटी मतलब 2 में आया था इंडिया में, एंड रैंकिंग जो होता है, समझ गए आप। तो इसका देख लेते हैं, ये जो है ना, ये जो है मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का ये कैंपस है, ये कैंपस जो है कोलकाता के अंदर है, कलकत्ता के अंदर है, एंड ये इसका वेबसाइट है, अब देख लेना, ये कोलकाता में है, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया है ज़्यादा ऊपर 2 में, एंड इसमें बहुत सारे ब्रांच हैं, ईसी है, सीएसई है, आईटी है, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बहुत कॉलेज में नहीं है, एंड इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, एंड पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी है, ये सब बहुत अच्छा है, एंड इसके अंदर हम देख लेते हैं फर्स्ट मतलब 4 साल का जो फीस है बहुत रिजनेबल है। पहला सेमेस्टर में आपको 5,500 रुपये देना पड़ता है, उसके बाद से 3,622 देना पड़ता है, 22 रुपीज़ हर सेमेस्टर में देना पड़ता है, एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है इसने नहीं दिया, इसमें प्लेसमेंट मतलब थोड़ा खराब जाता है, तो नहीं दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका प्लेसमेंट अब
मान के चलिए मतलब बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू कॉलोनी गवर्नमेंट। अगर कॉलोनी गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस, लेकिन ये कोलकाता में इसलिए हमने इसे दो में रखा। तो आप कॉलोनी गवर्नमेंट को भी चूज़ कर सकते हैं जो मिले, दोनों ही अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई भी इसमें अच्छा ही होता है। एंड ये देख लेते, इसका लाइब्रेरी है शायद, एंड ये थोड़ा कुछ बहुत उसने इमेज दे दिया। एंड तो ज़्यादा है हमारा लास्ट कॉलेज में, जो कि आप सबको पता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो है पीडीएफ नहीं दिया, उसका सिर्फ एक लिंक दिया हुआ, हमने लिंक दिया है, तो इसका ऑफिशियल लिंक है ये। एंड ये जो मेन चीज़ हम देखना देखना चाहते हैं कि ये 8th यूनिवर्सिटी है, 17 इंजीनियरिंग में है, रैंकिंग बता रहा हूँ ये 2021 का NRF रैंकिंग जो होता है, 17 है रिसर्च का एंड 14 है ओवरऑल कैटेगरी का, जो कि एक अच्छा माना जाता है। एंड जाएंगे इसका प्लेसमेंट के अंदर, तो गूगल सर्च नहीं करूँगा, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके देख लिया था कि इसका जो प्लेसमेंट है ना बहुत मतलब बढ़िया होता है। ठीक है, इस साल 2022 का मैं बता रहा हूँ, और 2020-21 का भी मुझे पता है, वो तो बता रहा हूँ। 2022 में गया है 1.4 CR, मतलब 1.4 करोड़ गया है, एक गूगल से एक बंदे को मिल गया है ये पैकेज। एंड और एक बंद और एक और दो बंदे को भी 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज मिला है। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 लाख के करीब है। एंड पिछले ईयर या फिर 2020 और 2021 या नहीं यार कब, उसमें 2021 में 65 लाख का पैकेज गया था, जो कि एक अच्छा पैकेज माना जाता है। एंड एवरेज पैकेज जो है नाइन टेन लाख के अंदर अंदर है, तो आप समझ गए। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के जाने के लिए आपको CSIT में जाने के लिए आपको 150 के अंदर रैंक लगेगा या फिर उससे भी कम थर्ड राउंड तक। एंड इसी तक CSIT इसी तक जाने के लिए आपको 300-400 रैंक या फिर 500 रैंक की मैक्स, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी एक मतलब कुछ कुछ IIT को बीट भी करता है प्लेसमेंट की दिख से। एंड ये एक शानदार कॉलेज है, शानदार यूनिवर्सिटी है, शानदार कैंपस है, सब कुछ शानदार है। इसमें अगर आपको मिल जाए तो मत छोड़ना, बहुत अच्छा कॉलेज है। एंड जाते हैं लास्ट पेज में। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड ये मेरा जो लिंक है मैंने दे दिया है, यो अगर आपको चेकआउट करना है तो कर लीजिए, कुछ कुछ लिख देता हूँ कभी कभी। एंड जो बोलना था चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, उसके साथ जो है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाओ इस ये भी बताना, एंड क्या क्या करना चाहिए मुझे और क्या क्या कैसे इंप्रूव करूँ मेरा कंटेंट, ये हम सब लोग बताना कमेंट करके। एंड अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो। एंड बाय गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।